और चलिए अब आपको बताते हैं कि सीकर पर आखिर किसका दबदबा है। सीकर में इस बार बीजेपी और इंडिया गठबंधन में मुकाबला काफी रोचक दिखाई दिया। किसान, मजदूर, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के दम पर अमराराम जीत की हुंकार भर रहे हैं, तो स्वामी सुमेधानंद मोदी लहर के दम पर अपनी हैट्रिक के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कमल का जादू रहेगा बरकरार या हंसिया हथौड़ा दिखाएगा कमाल? बीजेपी के सुमेधानंद लगाएंगे जीत की हैट्रिक, लेफ्ट के अमराराम मारेंगे बाजी। सीकर में आखिर किसकी होगी जीत? क्या सीकर इस बार इतिहास रच पाएगा या फिर पीएम मोदी का करिश्मा बरकरार रहेगा? नतीजा चाहे जो हो, लेकिन इस बार सीकर में कामरेड अमराराम और बीजेपी के सुमेधानंद के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। चार बार के विधायक कामरेड अमराराम लगातार विधानसभा के तीन चुनाव हार चुके हैं। एक जमाने में वामपंथ का गढ़ रहा सीकर अब लाल झंडे के लिए तरसने लगा है। इस बार इंडिया गठबंधन में सीपीएम को सीकर की सीट क्या मिली, कामरेडों को तो लगा जैसे उन्हें संजीवनी ही मिल गई हो। पर बीजेपी के कुशल चुनावी प्रबंधन और पिछले दो चुनाव से स्वामी सुमेधानंद की बड़ी जीत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बार भी पूरे उफान पर नजर आया है। शहरों में हिंदुत्व की गूंज के साथ भगवा परचम खूब लहराया है। अमित शाह के रोड शो से बीजेपी में जिस जोश का संचार हुआ, वो उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं में आखिर तक बरकरार रहा। वैसे सुमेधानंद को ब्रॉडगेज की सौगात के साथ लंबी दूरी की यात्री गाड़ियां शुरू कराने का भी श्रेय जाता है। सामने सुभाष महरिया जैसा दिग्गज नेता था, लेकिन पब्लिक का प्यार इतना है कि पिछली बार 3 लाख वोटों से जिताया। अब की बार मैं पूरे क्षेत्र में लगभग 5 विधानसभाओं में तो कैंपेन के हिसाब से गया हूँ, बाकी पूरी लोकसभा में टिकट मिलने के बाद मैं गया हूँ। लोगों का जो प्यार है, मुझे लगता है कि पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे। सीकर की जनता में इस बार मतदान के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं दिखा। पिछली बार के मुकाबले 7% मतदान में गिरावट आई। बीजेपी के अभेद्य किले में मतदाताओं ने पोलिंग स्टेशनों पर जाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। माना जा रहा है कि महिलाओं का बढ़ा हुआ मतदान मोदी की उपलब्धियों से बीजेपी के पक्ष में गया। तो वहीं कॉमरेड मान रहे हैं कि महिला मतदाताओं का ज्यादा वोट किसान आंदोलन की वजह से सीपीएम के पक्ष में गया है। वैसे कॉमरेड अमराराम ने जीवन भर किसानों और मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ी है। किसानों की परेशानी का सबब पानी बिजली की समस्याओं पर पिछले कई दशक से जयपुर से लेकर सीकर तक आवाज बुलंद करते रहे हैं। इसीलिए अपने संघर्ष के दम पर अमराराम अपनी जीत तय मानकर चल रहे हैं। आवाज पिछले 10 साल से राजस्थान और सीकर और शेखावाटी की आवाज देश की संसद में नहीं थी। मैं समझता हूँ आम जनता का जो आशीर्वाद और समर्थन वोट के माध्यम से मिला है, वो आवाज आम आवाम की आवाज देश की संसद में गूंजेगी और इलाके के हक और अधिकार लड़ने में सफलता प्राप्त करेंगे। सीकर ने देश को कई कद्दावर नेता दिए हैं। चौधरी देवीलाल यहां से जीतकर देश के उप प्रधानमंत्री बने, तो बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष के साथ देश के कृषि मंत्री, कुंभाराम आर्य जैसे नेताओं ने भी संसद में सीकर की आवाज बुलंद की, तो सुभाष महरिया यहां से चुनाव जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने। सीकर ने जनसंघ और जनता पार्टी को भी कभी निराश नहीं किया, लेकिन इस बार सवाल यही है कि स्वामी सुमेधानंद चुनाव जीत पाएंगे या फिर लगातार 7 बार सांसद का चुनाव हार चुके अमराराम लोकसभा पहुंच पाएंगे। कामरेड अमराराम के लिए कांग्रेस पार्टी कितनी एकजुट हुई होगी ये तो देखना बाकी है, मगर अमराराम के समर्थकों ने बस एक ही नारा लगाया, लाल लाल लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा। अब अमरा के दिल्ली जाने के रास्ते में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कितना सहयोग माकपा को मिला है ये देखना तो बाकी है, मगर स्वामी सुमेधानंद को यकीन है कि मोदी की आंधी चली है और एक बार फिर से शहरी मतदाता ने उनके पक्ष में वोट किया है, तो गाँव का वोटिंग परसेंट अमराराम अपने पक्ष में बता रहे हैं। देखना यही है कि क्या इस बार अमराराम अपनी हार के सिलसिले को खत्म करेंगे या फिर स्वामी सुमेधानंद अपनी हैट्रिक बना पाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर।
और भाजपा प्रत्याशी के लिए दिल्ली में प्रचार के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने न्यूज 18 संवाददाता से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने दिल्ली में एक बार फिर से सभी 7 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि देश में इतिहास बनने जा